हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं संस्कृत कक्षा 9वीं। पाठ है हमारा 3। पाठ का नाम है सुभाषितानी, जिसका अर्थ होता है अच्छी बातें। तो कक्षा 9वीं संस्कृत आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम श्लोक पढ़ेंगे। मैं बता देता हूँ, इस पाठ में आपके 10 श्लोक हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 श्लोक करेंगे, क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में 10 श्लोकों को करेंगे तो वीडियो हमारा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इस कारण से वीडियो को हम छोटा बनाएंगे और अधिक से अधिक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस कारण से एक वीडियो में आपको हम 2 श्लोक बताएंगे, और इस पाठ के प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, जोड़ी सब कुछ हम बताएंगे आपको, लेकिन हमारे श्लोक कंप्लीट होने के बाद। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको इस पाठ से 4 श्लोक लिखने रहते हैं, सॉरी 4 नंबर में श्लोक लिखने रहते हैं, 2 श्लोक आपको लिखने रहते हैं, एक श्लोक आपका 2 नंबर का आता है। इस तरह से यहाँ से 4 नंबर आपके कंप्लीट होंगे। तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ख़ास बात मैं बता देता हूँ आपको कि होता क्या है, इस पाठ से 3 श्लोक आपके प्रश्न पत्र में पहले से ही आते हैं। तो उन 3 प्रश्न जो आपके श्लोक से रहते हैं आपके प्रश्न पत्र में, उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है। अलग से जो नहीं आते हैं वो 2 श्लोक आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आज के इस श्लोक को। उद्योगिनम पुरुष सिंह सिंगम उपैति लक्ष्मी देवेन दयमिति का पुरुषा वदंती देवम निहत्य कुरु पुरुषुम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कौत्र पुरुषः। एक बार और पढ़ेंगे। उद्योगिनम पुरुषिंगम उपैति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदंती देवम निहत्य कुरु पुरुषुम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र पुरुषा। ये हमारा श्लोक था। अब इसके अर्थ को जान लीजिए। लक्ष्मी धन संपत्ति सुख आदि, लक्ष्मी के अंतर्गत ही आती हैं सभी धन संपत्ति सुख आदि, ये लक्ष्मी में ही आते हैं। तो लक्ष्मी मेहनत करने वाले पुरुषों को ही मिलती है। जो लक्ष्मी होती है वो जो मेहनत करते हैं उनको ही मिलती है। कायर लोग भाग्य से देने को कहते हैं। कायर जो लोग रहते हैं वो क्या कहते हैं कि ये तो भाग्य से मिलती है। अतः भाग्य को छोड़कर आत्मशक्ति से पुरुष करो। अतः हाँ, हमें भाग्य को छोड़कर आत्मशक्ति, हमारी इच्छा शक्ति से हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती तो दोष नहीं। यदि हम किसी भी कार्य करने के लिए उसमें प्रयत्न करें, उसको करने के लिए प्रयास करें और फिर भी सफलता हमें उस काम में नहीं मिलती तो कोई दोष नहीं है। लेकिन हम किसी भी काम को करें ही नहीं और दोष लगा दें, ये तो गलत बात है। तो ये हमारा श्लोक था 1, जिसको हमने पढ़ भी लिया है और उसके अर्थ को भी जान लिया है। अब बात करेंगे हम श्लोक 2। ये रहा श्लोक 2। देखिए इसमें रूप यौन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किम सुखः। एक बार और पढ़ेंगे। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किम सुखः। ये हमने श्लोक पढ़ा हमारा 2। अब इसके अर्थ को जान लेते हैं। रूप यौवन संपन्न और विशाल कुल में होने के बाद भी विद्याहीन उसी प्रकार अच्छा नहीं लगता है जैसे खुशबू रहित पलाश का फूल। अर्थ को अच्छे समझना है आपको। रूप यौवन संपन्न और विशाल कुल में होने के बाद भी विद्याहीन उसी प्रकार अच्छा नहीं लगता जैसे खुशबू
रहित पलाश का फूल। देखिए सीधा सा इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति है वो रूप में भी अच्छा है, अच्छा जवान है, सभी प्रकार से संपन्न है, विशाल कुल में उसने जन्म लिया है, लेकिन यदि उसने विद्या प्राप्त नहीं की है तो वो उसी प्रकार अच्छा नहीं लगता जिस प्रकार खुशबू रहित पलाश का फूल। जो पलाश का फूल होता है वो बहुत ही अच्छी खुशबू देता है, तो वो व्यक्ति भी ऐसा ही होता है कि खुशबू रहित पलाश के फूल के जैसा है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा श्लोक था जिसमें हमने श्लोकों को पढ़ा है, उसके अर्थ को भी आपको बताया। तो जितने भी 9th क्लास के जो बच्चे देख रहे हैं, आप सभी वीडियो को अपने सभी दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ें। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको दबाकर उसके बाद में जो बेल आइकन का जो बटन आता है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको समय पर सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे अगले श्लोकों के साथ। हमारा अगला वीडियो रहेगा जिसमें हम श्लोक 3 और श्लोक 4 को हम पढ़ेंगे, उसके अर्थ को भी जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।